तो दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ यहाँ पे जो पटाखे की बाजार लगी है ना, वो इधर साइड लगी है, तो सबको पता लग जाएगा कहाँ लगी है। वीडियो का अंत तक देखना, ठीक है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं जो आतिशबाजी का बाजार है, यानी जो पटाखे वगैरह बिकते हैं, वो कहाँ पे लगा हुआ है तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए। क्योंकि दोस्तों मैं आपको अच्छे अच्छे संबल से रिलेटेड सारे ब्लॉग वगैरह बहुत सारा कुछ दिखाता रहता हूँ अपने चैनल पर। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, आप लोग लाइक करते हो बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है अच्छे अच्छे वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ज़्यादा एंजॉय आने वाला है। तो आज मैं यहाँ से बहुत सारे पटाखे खरीदने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या क्या खरीदा है, और मैं आपको ये लास्ट में बताऊंगा कि ये बाज़ार कहाँ पे लगा है संभल के अंदर। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारी जो जगह चेंज होती रहती है यहाँ पे, तो पहले जो लगा था वो हिंदू इंटर कॉलेज के सामने लगा था, उससे पहले लगता था दोस्तों नगर पालिका में। तो ये आज जो लगा है वो कहाँ पर लगा है वो मैं आपको जल्दी बताऊँगा। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। तो चलिए बने रहिए वीडियो के अंत तक, तो दिखाता हूँ मैं क्या क्या है यहाँ पे। बहुत सारे अच्छे अच्छे आइटम मिल रहे हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। और अभी जो है ना यहाँ की शॉप सज रही है, मतलब अच्छे से लगाया जा रहा है सामान। और आज तो थोड़ी कम भीड़ लग रही है, मुझे लगता है यहाँ पे ना नाइट में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, क्योंकि जो लोग रहते हैं ना फ्री वो सब लोग नाइट में ही देखते हैं, नाइट में ही ले जाते हैं यहाँ से खरीद के सारा कुछ। तो काफ़ी अच्छा बाज़ार लग रहा है मुझे यहाँ का, ठीक है। तो भाई मैं यहाँ पर आया हूँ बाज़ार में, और आप देख सकते हैं ये बाज़ार है मेरे पीछे का नज़ारा, देख सकते हैं आप लोग जो पटाखे का बाज़ार है मैन, बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ का, देख सकते हैं। तो देख लीजिए भाई बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। और ये तो दोस्तों अब मैं आपको बता ही देता हूँ ये बाजार कहाँ पे लगा है। ये लगा है दोस्तों जो बिजली घर है उसके बराबर में मुरादाबाद वाले रोड पे लगा है। जैसे आप चंदोसी की जो चुंगी है उधर से मुरादाबाद वाले रोड पे चलोगे तो वहाँ से थोड़ी कुछ दूरी पर ही है, और आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमें पटाखे वाली बाज़ार में जाना है। तो जल्दी से आइए और ख़रीदारी कीजिए, एंजॉय कीजिए पटाखे के साथ। और दोस्तों आप लोग ज़्यादा पटाखे ना खरीदें, क्योंकि बहुत ज़्यादा होशियारी से चलाएँ, क्योंकि पटाखे का काम ऐसे रहता है, तो सावधानी बरतनी पड़ती है उसमें। तो देख लीजिए भाई, ठीक है। अब मैं जल्दी से ख़रीदारी कर लेता हूँ, दिखाता हूँ आपको जल्दी से। और बहुत सारे आइटम है आज, देखते हैं क्या क्या खरीदते हैं क्या क्या नहीं खरीदते हैं। तो छोड़ने का भी आपको ब्लॉग मिलेगा सारा कुछ, तो ठीक है। तो चलिए अब दिखाते हैं, और आपको एंजॉय करो, वीडियो को देखो, लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए। पहले कहो भैया ये काम ऐसा है, अपना माल। तो फाइनली गाइस मैंने सारा सामान ले लिया है, संभल में अंदर में घूम के आ गया हूँ, और यहाँ से भी मैंने थोड़े से पटाखे ले लिए, ज्यादा नहीं लिए हैं, और
कम ही छोड़ना है, क्योंकि आप लोगों को भी ज़्यादा नहीं छोड़ना, क्योंकि चोट भी लग सकती है, तो देख के ही छोड़ना है सबको, ठीक है। तो और सभी को हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस, और सब लोग अच्छे से रहना, अपने खुशी से त्यौहार को मनाना, और ज़्यादा पटाखे छोड़ना नहीं है, ठीक है। पटाखों छोड़ते टाइम दोस्तों बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है, किसी को चोट ना लगे, ठीक है, मैं यही कहूँगा सबसे। और मैंने ज़्यादा मतलब तेज वाले पटाखे नहीं लिए हैं, छोटे छोटे स्लो ही लिए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लिए हैं। तो ये रहा दोस्तों यहाँ का बाज़ार, तो अब मैं जा रहा हूँ घर पे, ठीक है, दिखाऊँगा आपको सारा कुछ सामान क्या क्या खरीदा है मैंने। तो चलते हैं और मिलते हैं आपको घर जाके, ठीक है। तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और ये जो बाज़ार लगा है वो लगा है बिजली घर के ठीक सामने मुरादाबाद वाले रोड पर, तो आप लोग आ सकते हो जल्दी से, ठीक है। तो चलते हैं अब हम घर, ठीक है।